वालेकुम सामीन, 13 जुमाद सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 16 जनवरी है। खबर का उनवान है, क्या कैराना इसम्बली सीट से नाहिद हसन का टिकट कटेगा और क्या ये टिकट उनकी हकीकी बहन इकरा को मिल जाएगा। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि आज दिन में एक प्रोग्राम में अखबारी नुमाइंदों के सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसी बात है और जिस तरह के बीजेपी हमले बोल रही है तो हम नाहिद हसन के ख़ानदान में से ऐसे लोगों को भी टिकट दे सकते हैं जिन पर कोई मुकदमा नहीं है। इससे लोग ये अंदाज़ लगा रहे हैं कि उनकी बहन इकरा को ये टिकट मिल सकता है। दरअसल जब से नाहिद हसन के आदमी ने, उनके प्रस्तावक ने पर्चा भरा है उनका, तब से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर ज़बरदस्त हमला बोल रखा है। और कुछ 24 घंटे पहले नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई है, तब से बीजेपी और भी हमलावर हो गई है। इसलिए आज अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। इस बयान से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद नाहिद हसन का टिकट कट जाएगा। इस बीच इकरा हसन ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो गलत है, उनके बैग का टिकट नहीं कटा है, न कट रहा है, न कोई ऐसी बात है, ये सब अफवाहों की बात है। ऐसा बयान इकरा हसन ने जारी किया है। अब देखना यह है कि अगले चंद दिनों में, क्योंकि कैराना इसम्बली हल्के में जो टिकट की जो उम्मीदवारी का जो नामजदगी फार्म की आखिरी तारीख है वो 21 जनवरी है और 14 से शुरू है। अब देखना है कि 21 जनवरी से पहले क्या ये टिकट कटेगा, क्या बाकी रहेगा, ये सवाल बराबर बना हुआ है। अब देखना है कि आगे सूरत हाल क्या पैदा होगी।